दोस्तों इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल असनिक स्टडी, साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं मेरे सारे अपडेट्स सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असनिक स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ कि JPSC का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है, वो भी JPSC की ऑफिशियल साइट पे। ये तो ऑफिशियल साइट पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है, आप लोग जाके ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, आप लोग देख लें कि कब कब उसका डेट अनाउंसमेंट किया गया है। PT, मेंस, इंटरव्यू सभी डेट अनाउंसमेंट कर दिए गए दोस्तों, और सभी जो एग्ज़ाम हैं वो 2020 में होने वाले हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने बोला है दोस्तों आप लोगों को। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो का, तो आप लोग उसे देख लें दोस्तों। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इसकी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, सभी की मदद कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं जितना हो सके मेरे से मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूं। तो दोस्तों, तैयारी से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहां पे सिलेबस लेकर आया हूं। जी दोस्तों, सिलेबस लेकर आया हूं, तो मैं पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, हम लोग सब मिलकर डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेकर। और इसके बाद जिस पूरा सिलेबस आप लोग देखें कि कैसे कैसे PT और मेंस में कितने पेपर कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों, समय सीमा क्या होती है, तो सारा अगर आप लोग नए हो, जैसा कि जो पुराने हैं उनको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं संकोच होगा, क्योंकि यह जो सिलेबस है दोस्तों एकदम लेटेस्ट है दोस्तों, एकदम नया जो संशोधित सिलेबस है वो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो जो पुराने वो भी देख लें, और जो नए हैं दोस्तों, जो नए एस्पिरेंट होंगे दोस्तों, वो भी इस सिलेबस को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं, सबसे पहले सिलेबस देखते हैं दोस्तों। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को सिलेबस याद तक कर लेना चाहिए कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्या सिलेबस में हम लोग आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी करनी होती है। तो सिलेबस में लेकर आए हैं दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस देखेंगे PT तथा मेंस, जैसे PT तथा मेंस देखें, और इसके बाद मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं और भी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो चलिए पहले हम लोग इसे शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। अगर हम लोग PT की बात करें, और हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आप लोगों को जरूर करूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि उन सभी को भी हेल्प हो पाए इस वीडियो से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग PT की बात करें तो PT हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो यह सबसे पहले तो संशोधित सिलेबस है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट सिलेबस है। जैसे पुराने सिलेबस है उसमें कुछ अलग ही थे, उसमें सिर्फ GS का एक पेपर होता था, लेकिन यहाँ पे GS के दो पेपर होने वाले हैं दोस्तों, दो पेपर होंगे GS के। जैसे आप लोगों को पता है सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा, और एक पेपर जो है दोस्तों वो झारखंड विशेष का होगा, जिसमें झारखंड विशेष का सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें सिर्फ झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। दोनों प्रश्नों का जो समय सीमा है वो 2 घंटे का होगा, जैसा कि आप देख सकते हो दोनों में ही जो है दोस्तों वो 200-200 मार्क्स के पेपर होंगे, 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों, दोनों ही पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और 200-200 मार्क्स का होगा दोस्तों, और 2-2 घंटे का होगा, और एक ही दिन में होगा दोस्तों। सबसे पहले बड़ी बात है कि एक ही दिन यह एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी 4 घंटे का जो ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों एक ही दिन में हो जाएगा, समय अंतराल आपको मिलेगा बीच में, पहला पेपर होगा उसके बाद दूसरा पेपर होगा, बीच में समय अंतराल आपको मिलेगा। तो ये हो गया PT दोस्तों, PT में दो पेपर होंगे जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, एक GS का पेपर हो जाएगा और दूसरा जो पेपर है दोस्तों वो जो है वो झारखंड विशेष से पेपर होंगे, दोनों ही 200 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गया PT दोस्तों, और PT के पेपर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि PT में कहाँ कहाँ से सिलेबस है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेकर आऊँगा, जो आज तक 6 जो एग्ज़ाम हुए हैं टोटल, जो 6 एग्ज़ाम हुए हैं सिविल सर्विस के, JPSC सिविल सर्विस के, तो सारे पेपर मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आप लोग एकदम चिंतित ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्प करवाऊँ दोस्तों, और बिल्कुल फ्री है, किसी तरह कोई चार्ज आप लोग को नहीं लगेगा दोस्तों, बस आप लोग वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो पाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग PT के लिए बात कर ली है, अब हम लोग मेंस पे आते हैं दोस्तों, मुख्य परीक्षा, और हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे दोनों पेपर हैं दोस्तों, GS और जो झारखंड विशेष हैं, इन दोनों पे ही मेरिट निकलेंगे, दोनों के अंकों को जोड़कर ही जो है वो फाइनल रिजल्ट आएगा, PT का फाइनल रिजल्ट आएगा। और अगर मेंस की बात करें दोस्तों, तो मेंस में इससे प्रश्न, इन प्रश्नों का अंक नहीं जुटेगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हो सकता पता हो, और नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि PT का जो मार्क्स है वो मेंस में नहीं जुटेंगे। तो अब हम लोग मेंस का देखते हैं दोस्तों, मेंस में जो है टोटल 6 पेपर होते हैं, जैसे यानी 6 पेपर होते हैं, क्या क्या पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
दोस्तों अगर हम लोग पहले पेपर की बात करें तो पहला जो पेपर है दोस्तों वो सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा। दोनों में दोस्तों 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, यानी दोनों ही सब्जेक्ट से दोस्तों 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो अंक होंगे दोस्तों वो 100 अंक होंगे और समय सीमा जो दोस्तों वो 3 घंटे की मिले, और यह जो है वो विवरणात्मक होगा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। ये पहला पेपर हो गया दोस्तों, ये प्रथम पत्र हो गया। और हम लोग द्वितीय पत्र की बात करें दोस्तों, यानी सेकेंड पेपर की बात करें, पेपर टू की बात करें, तो यह जो है दोस्तों वो भाषा और साहित्य से रिलेटेड होगा। जी दोस्तों, भाषा और साहित्य से रिलेटेड होगा, जिसके अंतर्गत टोटल जो दोस्तों वो 15 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है JPSC के द्वारा। उन्हीं 15 भाषाओं में से दोस्तों आपको एक भाषा को चूज़ करना है, जैसे हिंदी है, खोटा है, नागपुरी है दोस्तों, या उर्दू है, अंग्रेजी भी है, इन सभी को उसमें सम्मिलित किया गया है। उन्हीं से एक जो लैंग्वेज है दोस्तों वो आप लोगों को चूज़ करना है। और अगर हम लोग अंकों की बात करें दोस्तों, तो इससे दोस्तों 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और समय सीमा जो है दोस्तों वो 3 घंटे की होगी, और यह भी पेपर वो डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों। जी दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो पेपर है दोस्तों, इस आगे मैं बताऊंगा कि इस पेपर का जो अंक है वो मेरिट लिस्ट में जुटेगा या नहीं जुटेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो देखें दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, कहीं स्किप ना करें। तो जो थर्ड पेपर है दोस्तों, हम लोग दूसरे पेपर के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर तीसरे पेपर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पेपर है। तीसरे पेपर की बात करें दोस्तों, तो तीसरा जो पेपर है वो सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न होंगे, जिस यानी सामाजिक विज्ञान का यह पेपर होगा जिसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न होंगे। ये दो खंडों में विभक्त होंगे दोस्तों, खंड क और खंड ख होगा दोस्तों, जिसमें टोटल 200 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का जो है वो इतिहास से पूछा जाएगा प्रश्न, और 100 जो मार्क्स है वो भूगोल से पूछा जाएगा। टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, और यह भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे, और आगे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा दोस्तों कहाँ से कितने प्रश्न पूछाएंगे PT मेंस, सभी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, आप लोग जुड़े रहे बस मेरे साथ। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों, और हम लोग चौथे प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा जो प्रश्न भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, लोक प्रशासन एवं शासन व्यवस्था, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे चौथा प्रश्न पत्र दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेटेड है यह जो पेपर है, तो इसमें जो है वो अंकों की संख्या 200 होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा, और यह भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों पाँचवा प्रश्न पत्र, जैसे पाँचवा प्रश्न पत्र जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, इससे रिलेटेड होगा दोस्तों पांचवा प्रश्न पत्र। और इसमें दोस्तों अंकों का जो योग होगा वो 200 का होगा दोस्तों, 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों प्रश्न पत्र पाँच में, 3 घंटे का समय मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, और आगे हम लोग छठा प्रश्न पत्र देखते हैं। छठा जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास से रिलेटेड होगा, यानी छठा प्रश्न जो है वो दोस्तों साइंस से रिलेटेड होगा। इसमें जो है दोस्तों वो टोटल अंक 200 होंगे और समय सीमा 3 घंटे की मिलेगी, और ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न पत्र हो गए दोस्तों, और 6 प्रश्न पत्र मिला के जो टोटल अंक है दोस्तों, कुल अंक जो होंगे वो 1050 के होंगे। और इंटरव्यू, जिससे इंटरव्यू होगा इसके बाद, और इंटरव्यू का जो समय और इंटरव्यू का जो टोटल अंक है दोस्तों, यानी साक्षात्कार का जो अंक है वो 100 होंगे। यानी टोटल जो है दोस्तों वो 1150 मार्क्स का यहाँ पे मेंस होगा एग्जाम, यानी मुख्य परीक्षा 1150 मार्क्स का हो दोस्तों, जिसमें 1050 मार्क्स जो है वो लिखित होंगे, और 100 मार्क्स जो है दोस्तों वो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार से रिलेटेड होंगे। टोटल यहाँ पे 1150 मार्क्स हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैं बोला था कि मैं लास्ट में बताऊँगा दोस्तों कि प्रश्न पत्र वन जो है, वन की अगर हम लोग बात करें, वन तो दोस्तों जैसे मुख्य परीक्षा के बारे में या लिखित परीक्षा जो है उसके बारे में अगर अंकों की बात करें, जैसे टोटल 1050 यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 1050 मार्क्स कब होता है, जब हम लोग ऊपर के जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर है दोस्तों, इसके मार्क्स यानी 100 मार्क्स हम लोग जोड़ते हैं तभी होते। तो आप लोग जोड़ के भी देख लें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 इधर करके हम लोग जोड़ते हैं 2, 4, 6, 8 और 900, 950 मार्क्स हुआ, और 100 मार्क्स यहाँ पे जोड़ते हैं दोस्तों, तभी यहाँ पे जो टोटल है 1050 मार्क्स होता है। यानी जो
प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों उसके भी मार्क्स जुटेंगे। इसमें बहुत सारे दोस्तों का डाउट होता है कि जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होगा उसका मार्क्स जुटेगा या नहीं जुटेगा, ऐड होगा या ऐड हो नहीं होगा मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे ऐड होगा। और अगर किसी तरह का आप लोगों को डाउट हो दोस्तों तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। किसी तरह का कोई भी डाउट हो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझसे पूछें, तो आप लोग मुझसे जुड़ें दोस्तों, कमेंट करें जरूर किसी तरह का कोई डाउट हो तो। और यहाँ तक मैं सिलेबस लेकर आया, अगर सिलेबस में कहीं पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप लोग जरूर क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, मुझसे पूछें। या किसी तरह का सलाह भी देना हो तो आप लोग जरूर सलाह दें दोस्तों, मुझे बताएं कि क्या व्यक्तित्व तो आपका है नहीं है, आप लोग जरूर मुझसे बात करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो फाइनल अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं 1150 मार्क्स के होंगे मुख्य परीक्षा, जिसमें 100 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू, 1050 मार्क्स का लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। अगर हम लोग पीटी की बात करें दोस्तों तो पीटी जो है वो 400 मार्क्स के होंगे, यानी 400 मार्क्स के होंगे दोस्तों, जिसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न पत्रों के जो अंक हैं वो जुट कर ही, ऐड होकर ही जो है वो फाइनल रिजल्ट आएगा पीटी का। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये सिलेबस था, और इस सिलेबस से रिलेटेड अगर किस तरह के प्रश्न हैं आप लोगों को, किस तरह का डाउट है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं JPSC की तैयारी से रिलेटेड, JSSC की तैयारी से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।